His team of certified management consultants. Therefore, he decides to send both his children Parth and Pranav abroad to acquire a degree in business management in their individual area of expertise. He feels that all over the world there is marked growth in management as a discipline. बट स्टिल इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अल फ्लैश प्रोफेशन फॉर सर्टेन रीजन ऑन द बेसिस ऑफ देश एग्जाम इन द वेरियस रीजन बिकॉज ऑफ विच मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अल फ्लैश प्रोफेशन सो बिकासन है बिकास पब्लिशिंग फील्ड का एक वेल नोन बिजनेसमैन है और उसने वो अपनी सक्सेस अपनी एजुकेशन के द्वारा प्राप्त की है जो उसने बिजनेस मैनेजमेंट में पाई है साथ ही साथ इसके हकदार उसके टीम मेंबर्स भी हैं जो कि क्या है जो कि सर्टिफाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोनों बच्चे बच्चों को जो कि पार्थ एंड प्रणव है उसको उनको विदेश भेज देगा ताकि वो क्या कर सके ताकि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज पा सके और बिजनेस मैनेजमेंट में क्या कर सके डिग्री हासिल कर सके और वो फील करता है कि मैनेजमेंट ने क्या किया है मैनेजमेंट एक ग्रोथ को क्या किया है हासिल किया है पूरे विश्व में फिर भी मैनेजमेंट को फुल फ्लैश प्रोफेशन कंसिडर नहीं किया जाता है सो so, हमें अब अब में बताना है कि ऐसे क्या रीजन है जिसके कारण मैनेजमेंट को फुल फ्लैश प्रोफेशन कंसिडर नहीं किया जाता है सो so, अब हम यहां पे देखेंगे उन रीजंस को जिसके कारण मैनेजमेंट को फुल फ्लैश प्रोफेशन कंसिडर नहीं किया जाता है सो so, पहला रीजन है प्रोफेशनल्स व अल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो प्रोफेशनल्स में क्या होता है प्रोफेशनल्स हैव अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज सो प्रोफेशनल में एक जो उनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है सो so, प्रोफेशनल में क्या होता है प्रोफेशनल यहाँ पे एक ज्ञान का वो भंडार है जहां पे उसकी बॉडी कैसी होती है वेल डिफाइंड होती है बट इन द केस ऑफ मैनेजमेंट वो चीज क्या होती है जो उसमें नॉलेज प्रेजेंट है वो क्या होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है जिसके कारण क्या होता है उसको फुल फ्लैश प्रोफेशन कंसिडर नहीं किया जाता है नाउ सेकेंड रीजन द एंट्री इनटू अ प्रोफेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड सो प्रोफेशन में क्या होता है प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द एंट्री सो ये है सेकंड रीजन जिसके कारण मैनेजमेंट को क्या किया जाता है फुल फ्लैश प्रोफेशन कंसिडर नहीं किया जाता है नाउ थर्ड रीजन सो थर्ड रीजन है देयर एग्जिस्ट कोड ऑफ इथिक्स विच एवरी प्रोफेशनल ज टू फॉलो तो थर्ड है देयर एग्जिस्ट कोड ऑफ इथिक्स विच एवरी प्रोफेशनल हैज टू फॉलो सो यहाँ पे क्या होता है अगर हम बात करें प्रोफेशनल की तो यहाँ पे कोड ऑफ इथिक्स क्या होता है एग्जिस्ट करता है जिसके कारण क्या होता है सारे प्रोफेशनल को उसको फॉलो करना होता है बट देयर इज नो कोड ऑफ इथिक्स केस ऑफ मैनेजमेंट सो मैनेजमेंट में क्या होता है मैनेजमेंट में ये चीज प्रेजेंट नहीं होती है सो so, ये क्या हो गया ये तीसरा रीजन हो गया कि मैनेजमेंट को हम फुल फ्लैश प्रोफेशन कंसिडर नहीं करते हैं सो दीज आर द रीजन जिसके कारण हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को हम फुल फ्लैश प्रोफेशन कंसिडर नहीं करते हैं सो दिस द द आंसर ऑफ़ गिवेन क्वेश्चन क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही आज डाउनलोड करें डाउट नेट ऑप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर